तो चलिए, ये हमारा 27वां टेस्ट है IAS PCS प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, इस तरह के हम लोग 26 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 27वां है। याद रखिए, आपके जितने भी टेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी जनरल स्टडीज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डल दिए जाते हैं। तो 27वें टेस्ट में आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? जो समाचारों फ्रेया समाचारों में रहने वाली लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? शौचालय ड्राइविंग के लिए, आधारभूत और संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए, वायु प्रदूषण को मापने के लिए। सही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है इसमें आपके तीनों कथन सही हैं। क्या है? तीनों कथन सही हैं। तो आपका होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी। लिडार का तात्पर्य होता है लाइट डिटेक्शन ऑफ और रेजिंग। यह एक सुदूर संवेदन पद्धति है जो पृथ्वी पर विभिन्न दूरियों को मापने के लिए स्पंदित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? दूसरा, एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर तक की रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह आपका गलत है। यह मिसाइल DRDO द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का हिस्सा है। यह आपका सही है। BMD में दो इंटरसेप्टर मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस्ड एयर डिफेंस शामिल हैं। ये भी आपका सही है। यानी कि तीन और दो और तीन कथन आपका सही है, एक आपका गलत है। आखिर एक में सही क्या होगा? भारत ने एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO द्वारा विकसित AAD एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल 15 से 30 किलोमीटर की कम ऊंचाई पर दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे में क्या था? सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या है? क्वेश्चन है तीसरा हमारा, निम्नलिखित युगों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। ये आपके रॉकेट हैं, ये आपके देश हो गए, उनके समूह। एरियन यूरोपीय संघ सही है। एटलस रूस गलत है। लॉन्ग मार्च चीन ये भी सही है। सो योज संयुक्त राज्य अमेरिका ये आपका गलत है। तो इसमें आपका एक और तीन सही है, बाकी दो और चार गलत है। क्या है? दो चार गलत है। जो एटलस है आपका, ये एटलस आपका अमेरिकी मिसाइलों और अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों की श्रृंखला है। ठीक, अमेरिकी। और सोयूज है जो, यह OKB-1 द्वारा विकसित एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है जो समारा रूस में प्रोग्रेस रॉकेट स्पेस सेंटर द्वारा निर्मित है, रूस से संबंधित है। ठीक है, तो तीसरे में आपका सी था, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर चार क्या है? क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में भारतीय दूर संवेदी उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? फसल उत्पादकता का आकलन, भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाना, खनिज अन्वेषण, दूर संचार ये गलत है, यातायात अध्ययन ये भी आपका गलत है। इसमें आपका एक दो तीन कथन सही है, बाकी दोनों चार और पांच गलत है। वर्ष 1988 के IRS फर्स्ट से शुरुआत करते हुए इसरो ने कई विचलनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रहों का प्रमोचन किया है। आज भारत के पास सबसे बड़ी संख्या में प्रचलन सुदूर संवेदन उपग्रहों का समूह है।
उपग्रहों से आंकड़े प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कई अनुपयोगों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि जल संसाधन, शहरी नियोजन, ग्रामीण प्रशासन और ग्रामीण विकास, खनिज संभाव्यता की तलाश, पर्यावरण, वनिकी, समुद्री संसाधन, आपदा प्रबंधन। इसमें क्या था, 1, 2, 3, यानी कि ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 5, क्या है क्वेश्चन, जेट इंजन और रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जेट इंजन और रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आसपास की वायु का उपयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। सही बात है। रॉकेट अपने इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस व ईंधन के रूप में करता है। ये आपका गलत है, केवल एक कथन आपका सही है। एक रॉकेट आमतौर पर ठोस रासायनिक प्रणोदक या तरल रासायनिक प्रणोदक पेश करता है, जिसमें ईंधन और ऑक्सीकारक होता है। यह गैस की अवस्था में ऑक्सीजन नहीं ले सकता है रॉकेट। क्वेश्चन है 5वां, सॉरी छठवां, 5वां तो देख ही चुके हैं ना। कॉपरनिकस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कॉपरनिकस के कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कॉपरनिकस नासा का एक पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है। यह आपका गलत है। इस कार्यक्रम से भारत को उपग्रह डेटा तक पहुंच प्राप्त होती है। ये सही है, एक आपका गलत है। कॉपरनिकस यूरोपीय संघ का, ये संघ का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है। किसका, यूरोपीय संघ पृथ्वी अवलोकन का। और जैसा कि आपको पता होगा कि इसका नेतृत्व आपका यूरोपीय कमीशन करता है। ठीक है, यूरोपीय कमीशन द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, के सहयोग से किया जाता है। तो इसमें केवल आपका 2 कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 7, क्या है 7, क्वेश्चन है 7वां, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन PSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसे मुख्यतः पृथ्वी अवलोकन या दूर संवेदन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए निर्मित किया गया है। सही है, यह तरल चरणों वाला प्रथम भारतीय प्रमोचन वाहन है। ये भी आपका सही है, यानी कि 7 क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों कथन आपके सही हैं। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है 8, क्या है, इसरो नैनो सैटेलाइट्स INS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसरो नैनो सैटेलाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। INS प्रणाली को PSLV पर बड़े उपग्रहों के साथ संलयन करने के लिए सह यात्री उपग्रह के रूप में विकसित किया गया है। सही है, इसके प्राथमिक उद्देश्यों में विश्वविद्यालयों, अनुसंधानों एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए नवोन्मेषी पेलोड को ले जाना शामिल है। यह सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके दोनों कथन सही हैं। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर, एस्टोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस्टोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञानीय मिशन है। सही है, यह भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है। सही है, यह विभिन्न खगोलीय पिंडों के एक साथ बहु तरंग दैर्ध्य वाले अवलोकन में सहायता करता है। ये भी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपका तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 10, सुपर क्लस्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुपर क्लस्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। ये ब्रह्मांड में देखी जाने वाली सबसे बड़ी आबाद संरचना है। सही है, सबसे पहले खोजा गया इस तरह का बड़ा सुपर क्लस्टर सरस्वती सुपर क्लस्टर था। ये आपका गलत है, इसमें केवल एक कथन। दूसरे में क्या होगा, आकाशगंगाओं के पहले सुपर क्लस्टर सेपली
सैपली सुपर क्लस्टर की खोज 1989 में की गई थी, और दूसरे सुपर क्लस्टर सलोन गेट बॉल को 2003 में खोजा गया था। ठीक है, तो आपका पहला कौन सा है, सैपली सुपर क्लस्टर, जिसकी खोज 1989 में की गई। क्वेश्चन है 11, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, NLST के लिए प्रस्तावित स्थल पुणे होगा, गलत है। परिचालित होने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन होगा, ये भी आपका गलत है। यानी कि 11 में आपके दोनों कथन गलत हैं। NLST यानी कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप में जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चांगथांग शीत रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य में 2M वर्ग के अत्याधुनिक सौर दूरबीन की स्थापना शामिल है। ठीक है, जो दूसरे कथन गलत है इसमें सही होगा, यह दुनिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन होगी। वर्तमान में मैक मात फेयर सोलर टेलीस्कोप 1.6 मीटर की व्यास के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है। तो 11 में आपका दोनों कथन गलत थे, ना तो एक सही था ना ही दो। क्वेश्चन है 12, क्या है, उपग्रह प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपग्रह प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भूमध्य रेखा के निकट स्थलों से प्रेक्षित किसी उपग्रह को शुरुआती अवस्था में पृथ्वी की सतह के वेग के बराबर बूस्ट मिलेगा, सही है। यह लाभ केवल उन उपग्रहों के लिए प्राप्त किया जा सकता है जो भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं, यह भी सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दोनों कथन सही है, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन है आपका 13, 30 मीटर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है जिसमें भारत शामिल है, सही है। इसका निर्माण हवाई USA के मोनाकिया में किया जा रहा है, ये भी आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 14, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, सोली बेसिलस कलामी एक जीवाणु है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पाया जाता है, ना कि पृथ्वी पर, सही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप आंध्र तट के निकट अवस्थित है, ये आपका गलत है। कलाम सेट सारग उपग्रह का नया नाम है, ये आपका गलत है। इसमें आप पूछ क्या रहा है, अब देखिए इसमें पहला कथन सही है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, लेकिन इसमें पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग हमेशा पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 2 और 3 कथन गलत है, लेकिन इसमें सही क्या होगा, तो याद रखना, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, यह उड़ीसा के तट पर स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश के, ठीक है। यह नासा के साथ मिलकर आईडूडेल लैंडिंग द्वारा आयोजित क्यूबवैक्स इन स्पेस प्रतियोगिता में 57 देशों के युवा प्रतियोगियों द्वारा प्रस्तुत 86,000 डिजाइनों में से एक चयनित 80 मॉडलों में से एक है। यह भारत से चुना गया एकमात्र मॉडल था, ठीक है। इसमें क्या था, 2 और 3 केवल गलत थे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है, हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हाइपरलूप परिवहन प्रणाली पूर्णतः स्वायत्त सुरक्षित और शोर रहित है, सही है। यह चुंबकीय उत्थापन पर आधारित है, ये भी आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपके दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 16, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
क्या करना है, विचार करना है। यह है जैव अणुओं की त्रिआयामी संरचनाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने में सहायता करती है। सही है, इसका उपयोग संक्रामक जीका वायरस को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया है। ये आपका सही है, यानी कि आपके दोनों कथन सही हैं। 16 में आपके दोनों कथन है सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एकीकृत निर्देश मिसाइल विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित मिसाइल अग्नि ब्रह्मोस पृथ्वी है, यह आपका गलत है। इस कार्यक्रम की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नाभिकीय कमान प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, ये भी आपका गलत है। यानी कि 17 में आपके ना तो एक सही है ना ही दो, लेकिन इसमें सही क्या होगा आखिर, बात करते हैं। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में की गई थी। इसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित 5 मिसाइलें हैं, नांग, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी। ठीक है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नाभिकीय कमान प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं। ठीक, तो इसमें आपका डी ऑप्शन था। क्वेश्चन है हमारा अगला 18 क्या है, सतत वैकल्पिक वाहन योग्य परिवहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य फसल अवशेषों के आधार पर बायोडीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है, ये आपका गलत है। यह सतत विकास लक्ष्य 7 को हासिल करने के प्रयासों को आगे को बढ़ावा देगी, ये सही है। इसमें केवल दूसरा कथन सही है, लेकिन सही कथन पहले में क्या होगा, यह योजना संपीड़ित जैव गैस उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए और स्वचालित ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में CBG की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए और इच्छुक उद्यमियों से एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करती है। ठीक है, तो 18 में आपका केवल बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 19 क्या है, हनोई शिखर सम्मेलन समाचारों में था, यह निम्नलिखित समूह राष्ट्रों में से किससे संबंधित था, तो आपको बता देना है USA और उत्तर कोरिया, USA उत्तर कोरिया। जैसा कि आपको पता होगा हनोई शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था जो 27 से 28 फरवरी 2019 को वियतनाम के हनोई में अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता के बीच हुआ था, और जून 2018 में सिंगापुर में आयोजित पहली बैठक के बाद उत्तर कोरिया और अमेरिका के नेताओं के बीच यह दूसरी बैठक थी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 20, प्रधानमंत्री जी वन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों से संबंधित पवित्र वृक्षों को संरक्षित करना है, गलत है। इस पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, इसे ये भी गलत है। यानी कि 20 में ना तो एक सही है ना ही दो, लेकिन इसमें सही क्या होगा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी वन योजना यानी कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशोषण निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत ऐसी एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय मदद प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जो लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का इस्तेमाल करती हैं। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ना कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। किस द्वारा किया गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। 20 में आपका डी था, ना तो एक सही था ना ही दो। क्वेश्चन है हमारा 21 क्या है, 21 शुरू की गई
शुरू की गई सेएस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें होगा देश में गैर प्रौद्योगिकी स्नातकों को औद्योगिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा 22, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र के द्वारा हिंदू कुश हिमालयन क्षेत्र नामक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। एच के एच क्षेत्र आने वाले वर्षों में तापमान की वैश्विक औसत वृद्धि की तुलना में अधिक गर्म होगा, सही है। अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी पर्वतीय श्रृंखला अथवा पूर्वांचल श्रृंखला का तापमान कम से कम 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, ये आपका गलत है, केवल एक कथन इसमें सही है। हिंदू उत्तर पश्चिमी हिमालय और काराकोरम क्षेत्र में यह तापमान कम से कम 0.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, कहाँ, उत्तर पश्चिम हिमालय और काराकोरम में, ठीक है। 22 में केवल एक कथन आपका सही था। क्वेश्चन 23 क्या है? क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सी संधि युद्धबंदियों के साथ व्यवहार से संबंधित इस सिद्धांत की स्थापना करती है कि युद्धबंदियों को सक्रिय शत्रुता की समाप्ति पर अविलंब रिहा और प्रत्यर्पित किया जाएगा? तो याद रखना, ये थी आपकी जेनेवा संधि। कौन सी है? जेनेवा संधि, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा, जेनेवा संधि आपकी 1864 और 1949 के बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न संधियों में की श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य सैनिकों और नागरिकों पर युद्ध के प्रभाव में कमी लाना है। क्वेश्चन है हमारा 24 क्या है? पीएम किसान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यह आपका गलत है। योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए सरकार द्वारा आधार को अनिवार्य बनाया गया, ये सही है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लघु और मध्यम किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, ये आपका गलत है। इसमें केवल आपका दो कथन सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, ना कि केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, ना कि मध्यम किसान, ठीक है। तो 24 में आपका केवल दो कथन सही था। क्वेश्चन है 25 क्या? 25, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किसका, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, कि विन्यास में 4 केंद्रीय वृत्त शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक सशस्त्र बलों के विभिन्न मूल्यों का प्रदर्शन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चक इन 4 चक्कों में शामिल नहीं है? तो इसमें होगा आपका गौरव चक शामिल नहीं है, बाकी अमर चक आपका शामिल है, त्याग चक भी आपका शामिल है, और रक्षक चक आपका शामिल है, ठीक है। कौन कौन से? अमर चक शामिल है, गौरव चक नहीं शामिल है, त्याग चक शामिल है, और रक्षक चक, याद रखिए, इनमें 4 चक्कों में शामिल है, अमर चक, वीरता चक, त्याग चक और रक्षक चक। तो चलिए, ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो आपके PCS प्रीलिम्स और चाहे वो IAS हो, इसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह के हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते रहेंगे, ठीक है।